Hello everyone, welcome to Law Guide. This is a series on Indian Constitution, so stay connected to subscribe. In this video, we will study Article 14 of Indian Constitution, which is under Part 3, Fundamental Rights. Let's read the article from Bayer Act first and then we will understand it. Article 14, Equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. This article is very important. ये article को study करने से पहले हम एक concept समझ लेते हैं and that is rule of law. जो A.V. Dicey ने the Constitution of England पे mention किया था. Rule of law मतलब law is supreme. मतलब अगर हमारे जैसे common man ने या कोई Bollywood के actor ने या prime minister, president कोई गुनाह किया हो तो सबको law एक जैसा ही treat करेगा. Everybody is equal in front of law और law के आगे कोई भी नहीं. Law is supreme. So this is the rule of law का concept. मतलब भाई law के आगे किसी की भी नहीं चलती. Article 14 में जो main चीज mention करी है वो है equality. Article में if you have noticed any person लिखा है, मतलब Article 14 ये citizens और नॉन सिटीजन्स दोनों को भी अप्लाई होता है. देयर आर टू फ्रेजेस जो ध्यान से पढ़ना, दे आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रेजेस. फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसके पहले बोला है स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ. डिनाइंग ए नेगेटिव वर्ड है, सो एक नेगेटिव कंसेप्ट हो गया है. नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये मेंशन कर रहा है किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट ना करे लॉ के सामने. अब सेकेंड चीज दैट इज पॉजिटिव कंसेप्ट मेंशन करा है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. मतलब सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है. बट लॉ ने खुद कुछ लोगों को सुविधा दे रखी है, जैसे डिसेबल्ड लोगों को या कोई रिलीजियस कैटेगरी के लोगों को. सो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो कोई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ तो नहीं दिख रहा. सो लेट मी टेल यू, लॉ ने कुछ सेक्शन ऑफ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की परमिशन दे रखी है. बट उन्हीं लोगों को कुछ बेनिफिट दिया जाना चाहिए जिसका कोई रीजनेबल रीजन हो. ऐसे एवी आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. अगर किसी को बेनिफिट दिया जा रहा हो तो वो कुछ अच्छे रीजन से दिया जाना चाहिए, सॉलिड रीजन होना चाहिए. अब यहाँ पे जो लोगों को सुविधा बेनिफिट दिए जा रहे हैं कोई अच्छे हेतु या गोल से, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि वो लोगों के लिए अच्छे करने के लिए वो बेनिफिट उनको दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं जॉब में वुमेन को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उनको पेड लीव्स रहती है, वेयर एज ओबीसी एससी एसटी को एग्जाम में रिजर्वेशन रहता है, या डिसेबल्ड लोगों के जैसे जिनको सुनाई नहीं देता या बोलना नहीं आता, तो ये बेनिफिट उनको इसलिए दिया जाता है ताकि वो भी कुछ अच्छा कर पाए. उनको हमारे जैसे सब चीजें अच्छी नहीं होती, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, सो उनको एक अच्छा रीजन से फेवर किया जाता है. सो यही होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. वो बराबरी पे आने चाहिए. जो भी गोल इस डिस्क्रिमिनेशन से अचीव करना है और वो फेयर और जस्ट होगा तभी वो वैलिड डिस्क्रिमिनेशन होगा, तभी वो वैलिड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा. लेट सी द केस लॉज फॉर दिस सेक्शन. फर्स्ट है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इस केस में बोला था कि रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ ही नहीं, कि बस लॉ ही सुप्रीम होगा, बट लॉ शुड बी अप्लाइड विद नेचुरल जस्टिस, फेयर फ्री एंड जस्ट इक्वालिटी होनी चाहिए. सेकेंड है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि नेचुरल जस्टिस से इक्वालिटी होनी चाहिए, यही अप्लाई हुआ था ये भी केस में. थर्ड है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा. एयर होस्टेस की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर देना ये जेंडर या सेक्स के कारण डिस्क्रिमिनेशन है, ये बोला था. सो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14 में जो एनी पर्सन, ये सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में ही नहीं बट ऑल्सो ट्रांसजेंडर पीपल इंक्लूडेड है एनी पर्सन में. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एलजीबीटी इंडिविजुअल को कंसेंशुअल इंटरकोर्स करना वैलिड कर दिया था. आईपीसी का 377 राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट था एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के पीपल के लिए. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को सबरीमला टेम्पल में एंट्री नहीं थी तो वो भी हटा दिया था कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सो यस, दैट वॉज इट फॉर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एवरी वन, होप यू अंडरस्टूड. इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टडी हार्ड. रिमेंबर वी हैव टू मेक आर पेरेंट्स प्राउड. बाय, टेक केयर.